राज्य सरकार की महती योजना महतारी वंदन योजना के तहत पूरे प्रदेश की विवाहित महिलाओं को स्वावलंबन हेतु 1,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाना तय है, जिसे लेकर सभी महिलाओं ने आवेदन भी जमा कर दिए हैं। परंतु अब आवेदन सूची जारी होने के पहले लगभग 40% आवेदन की स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। इन सभी मामलों को लेकर भिलाई व रिसाली नगर निगम की परियोजना अधिकारी शिल्पा तिवारी से ACN न्यूज ने चर्चा की। उन्होंने ये साफ किया है कि जो त्रुटियां आवेदन फॉर्म में है उसे जल्दी ठीक किया जाना है, जिसके लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा, और विश्वास दिलाया है कि सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ अवश्य मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, ACN न्यूज से मैं हूं संतोष शर्मा, और आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आज एक हवा बना हुआ है। एक बहुत परेशानी वाली भी बात है, अच्छी बात भी है, लेकिन इसमें जो गड़बड़ियां हो रही है उसको लेकर के महिलाएं काफी परेशान है। महतारी वंदन योजना, बात कर रहे हैं हम महतारी वंदन योजना की। महतारी वंदन योजना के तहत जिन लोगों ने अपने अपने फॉर्म जमा किए थे, उसमें भी दो चीज़ें देखी जा रही हैं कि किसी ने ऑफलाइन जमा किया था और किसी ने ऑनलाइन कराने के बाद फॉर्म को जमा किया है। अब इसमें हो ये रहा है कि जो अंतरिम सूची आने वाली है, उस सूची आने के बाद भी कई लोगों के नाम उसमें दिखाए नहीं जा रहे हैं, प्रदर्शित नहीं हो रहा है, और उन्हें यह भी नहीं मालूम है कि उनका फॉर्म ऑनलाइन हुआ है या फिर रिजेक्ट हो गया है। इन सभी बातों को जानने के लिए आज हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं भिलाई नगर निगम और रिसाली नगर निगम की परियोजना अधिकारी शिल्पा मैडम, शिल्पा तिवारी मैडम से बात करते हैं। मैडम, महतारी वंदन योजना काफी अच्छी योजना है, लेकिन इस योजना के तहत ये देखा जा रहा है कि इसमें बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं, किसी का नाम अब तक दिखा नहीं रहा है। लगभग हमको ऐसे आंकड़े मिले कि 44% फॉर्म दिख नहीं रहे हैं, क्या है इसका रीजन? ऐसा कुछ नहीं है, अभी हमको वर्तमान में भिलाई निगम प्लस रिसाली निगम मिला के 1,04,643 के आवेदन प्राप्त हुए हैं। उसमें से 99 आवेदनों को छोड़ के बाकी सभी आवेदन हमारी तरफ से अप्रूवल कर दिए गए हैं, और लगभग 5,000 फॉर्म जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट दस्तावेज की कमी के कारण अपलोड नहीं किए गए हैं। उनकी भी जानकारी जो हमें आपत्ति मिलेगी उसका हम लोग जैसा विधिवत शासन द्वारा निर्देशित किया गया है निराकरण करेंगे और संबंधित को सूचित करेंगे। तो मैं सभी से आग्रह करूंगी कि कृपया परेशान ना हो, और शासन द्वारा एक लिंक जारी की गई है जिसकी सूचना आज न्यूज़पेपर में भी दी गई है। उस लिंक में आप अपना मोबाइल नंबर या आधार नंबर डालकर आपका आवेदन किस स्थिति में है वह आप जान सकते हैं। उसमें अगर सत्यापित लिखा है मतलब आपका आवेदन अप्रूव हो गया है, लंबित लिखा है तो कुछ कारणों से लंबित हुआ है तो आप उसके लिए आप आपत्ति कर सकते हैं। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। शासन द्वारा 23 से 25 तारीख तक दावा पत्ति करने हेतु समय निर्धारित किया गया है, उसके बाद हम विधिवत दावा पत्ति निराकरण करके संबंधित को सूचित करेंगे। मैडम, सूचित तो करेंगे, लेकिन यहाँ तक कि पोर्टल भी बंद कर दिया गया है, ऑनलाइन की प्रक्रिया भी बंद हो चुकी है। दावा पत्ति करने के बाद में क्या पोर्टल फिर से खोला जाएगा? अभी इस संबंध में शासन द्वारा कोई भी दिशा निर्देश प्राप्त नहीं है। जिन लोगों के आवेदन पोर्टल पर नहीं दिखाई दे रहे हैं या कोई उनको सूचना प्राप्त नहीं हो रही है, कृपया वह अपनी आपत्ति निकटस्थ आंगनबाड़ी केंद्र में दर्ज करें। हमारे द्वारा उन्हें बताया जाएगा कि किस कारण से उनका आवेदन अपलोड नहीं किया जा सका है। जरूर कुछ दस्तावेजों में कमी रही होगी जिस कारण उन्हें अपलोड नहीं किया। मैडम, बैंक खाता इसमें अनिवार्य है, बैंक खाते को लेकर के एक मतलब समझ थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन है। जिन महिलाओं के ज्वाइंट अकाउंट है, जो लोग यहाँ फॉर्म जमा करने आए थे, हम लगातार इस महतारी वंदन योजना से जुड़े हुए तथ्यों को हम अपने चैनल पर दिखा रहे हैं। ज्वाइंट अकाउंट जो है वो कुछ महिलाओं ने जमा किए हैं और उनका भी उस जो आप बता रहे हैं लिंक पे, उसमें उनका दिखा नहीं रहा है, तो ज्वाइंट अकाउंट मान्य है या नहीं है? क्योंकि जो जमा करने आए थे यहाँ पे जो लोग थे जिम्मेदार, उन्होंने बोला कि ज्वाइंट अकाउंट मान्य है। इस संबंध में जो फॉर्म ले रहे थे उन्हें पर्याप्त सूचना प्राप्त थी कि जॉइंट खाता एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो अभी वर्तमान में शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप जॉइंट खाता को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। और अगर किसी ने जॉइंट खाता जमा किया है और अभी उन्होंने अपना सिंगल खाता खुलवा लिया है तो कृपया निकटस्थ आंगनबाड़ी केंद्र या परियोजना कार्यालय में अपनी सिंगल अकाउंट की बैंक पासबुक की प्रति को जमा कर सकते हैं, उसको करेक्शन करने का पूरा प्रयास शासन द्वारा किया जाएगा। मैडम, जमा करने का प्रयास सभी लोग करेंगे जैसा आपने बताया है,
लेकिन अगर खाता जमा करते हैं उनकी फॉर्म को कैसे खोजा जाएगा, कैसे अटैच होगा? फॉर्म आधार नंबर से तुरंत पता चल जाता है हमको स्टेटस, और वैसे भी एक आधार नंबर से अगर एंट्री एक बार हो गई है तो आप किसी भी अन्य तरीके से उस पर एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखाता है। तो आपने अगर ज्वाइंट खाता जमा किया हुआ है तो अभी आपसे निवेदन है कि आप अपना सिंगल खाता खुलवाएं और उसकी बैंक पासबुक की छायाप्रति निकटस्थ आंगनबाड़ी केंद्र या परियोजना कार्यालय में तुरंत जमा करें, ताकि दावा पत्ती के बाद उसका निराकरण किया जा सके। डॉक्यूमेंट जमा करने के साथ में दावा पत्ति का फॉर्म भी लगेगा, क्योंकि दावा पत्ति करेंगे तभी फॉर्म को जो वो किया जाएगा, सही दिया जाएगा। और अगर कोई त्रुटि है मैम, जैसे आधार अपडेट नहीं है, बहुत लोगों का ये जानकारी मिली है, कम से कम 1500 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आधार अपडेट नहीं कराया है, तो क्या आधार अपडेट कराने के बाद खुद ब खुद वहाँ सब कुछ सही हो जाएगा या उसके लिए भी दावा पत्ति करना पड़ेगा? अभी वर्तमान में हमको NPCI से भिलाई निगम अंतर्गत लगभग 1999 और रिसाली निगम अंतर्गत लगभग 132 लोगों की सूची प्राप्त हुई है जिनका जो बैंक खाता है वो आधार से लिंक नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम फ़ोन करके सूचित कर रहे हैं कि आपके पास 30 तारीख से पहले तक का समय है, आप तब तक अपना जो खाता है उसको आधार कार्ड से लिंक करा लें अपने संबंधित बैंक में जाकर, है ना। इस क्योंकि जब DBT किया जाएगा 8 तारीख को, और अगर आपका खाता आधार से लिंक नहीं होगा तो वो सर्वर पे नहीं रहेगा। तो हम लोग के द्वारा हमको डेटा मिला हुआ है, उसमें फ़ोन नंबर से हम उनको सूचित कर रहे हैं कि आप अपना जो खाता है उसको आधार से लिंक करवाएं अपने बैंक में। मैडम फ़ोन से सूचित कर रहे हैं तो जिनके बैंक अकाउंट की भी डिटेल्स का दिक्कत है उनको भी सूचित किया जाना चाहिए? जी, उसका हमारे पास अलग से सर्वर से हमको डेटा प्राप्त नहीं हुआ है, सिर्फ ये जो आधार से लिंक नहीं है उसका हम लोग को अलग से डेटा प्राप्त हुआ है। और जॉइंट वाले भी हम फॉर्म से छटनी कर रहे हैं जितना हम लोग के स्तर से हो सकता है, हम उसमें लगातार लगे हुए हैं फॉर्म हार्ड कॉपी को देख के, जो भी जॉइंट वाले उनको अलग कर रहे हैं। और इसके बाद भी हम, मैं जनता से आग्रह करना चाहूँगी कि अगर उन्होंने त्रुटिवश अपना जॉइंट अकाउंट दे दिया है तो कृपया सिंगल अकाउंट खोल के तुरंत हमको निकटस्थ आंगनबाड़ी केंद्र या परियोजना में उसकी कॉपी प्रस्तुत करें। मैडम, दो महिलाएं परेशान हो रही हैं, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि वो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक बार आप बता दीजिए हमारे दर्शकों। मैं ये बोलना चाहूँगी कि महतारी बंधन योजना शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है, और इस संबंध में अगर आपका आवेदन किसी स्तर पर नहीं भी दिख रहा है तो कृपया इसके लिए परेशान ना हो, एक दावा पत्र आप अपने निकटस्थ आंगनबाड़ी केंद्र या परियोजना कार्यालय में प्रस्तुत करें। हमारे द्वारा पूरी कोशिश की जाएगी कि आपकी आपत्ति का निराकरण 100% कर दिया जाए। धन्यवाद। इन्होंने बताया है कि महतारी बंधन योजना में जो लोग परेशान हो रहे हैं, जिनके नाम दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार्य लगातार अब भी जारी है। जिनके ऑनलाइन नहीं हुए हैं, पूरी टीम लगी हुई है, पूरा शासन लगा हुआ है इस चीज़ को सुधारने के लिए। महतारी बंधन योजना को लेकर के जो जो भी त्रुटियाँ हो रही हैं, उन सभी त्रुटियों को शासन प्रशासन द्वारा सुधारा जाएगा और सभी को लाभ मिलेगा, ऐसा मैडम का कहना है। ACN न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा।